अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरी बहनें और जितने भी इस दुनिया में ट्रेडर आजाद हैं, सब खैर आफियत से होंगे। आज के दिन में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने कल आपको क्या ट्रेड्स दी थी और उनकी क्या एक्यूरेसी रही थी। और काफ़ी सारे भाइयों को मैंने रिप्लाई दे दिया है, जो कुछ भाई रहते हैं कॉपी ट्रेडिंग के लिए, उस मैसेजेस की वजह से और इन सारी चीज़ों की वजह से, जिनके अकाउंट में कॉपी ट्रेड्स नहीं लगी हैं उनकी भी मैं आज रिप्लाई उन्हें दे दूंगा। और इसी के साथ साथ वेबसाइट के सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं, सब लोग वेबसाइट पे लॉगिन कर लें। लॉगिन करके जो पेमेंट स्लिप्स हैं वो दोबारा सेंड कर दें, अगर वो नहीं हो रही हैं तो उसके बारे में मुझे बताएं, ताकि फिर मैं आपका वो इशू भी रिजॉल्व करूं। सही है। और इसके साथ साथ मैंने आपको कल के दिन में कुछ ट्रेड्स दी थी, ये मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस दिखाता हूँ मार्केट के, कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस क्या चल रहे हैं हेयर योर। तो यहाँ पे प्राइस पे हमने इस एरिया में आपको बताया था कि प्राइस इस एरिया में आएगा, जो कि बनता है 32 to 35 तक का, एक मतलब एक ये एरिया बनता है 32 to 34 तक का, मैंने आपको एरिया बताया था। अच्छा, अब यहाँ से जो लोग ट्रेड लेंगे वो किस तरीके से ट्रेड लेंगे, देखिए नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत चाहिए होती है। अब अगर आपके पास 32 का मैंने आपको एरिया दिया है, और मैं आपको बताता हूँ मिनिमम आपने 50 to 70 pips का स्टॉप लॉस रखना है। सही है। अगर मैं आपको 30 से देता ट्रेड तो आपने 37 का स्टॉप लॉस रखना था, अगर मैंने आपको 32 से दिए तो आपको 37 to 39 का स्टॉप लॉस रखना था। सही है। तो काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉफिट भी करा है, कुछ लोगों ने स्टॉप लॉस अगर हिट करा होगा तो वो इस सिचुएशन में करा होगा। वैसे तो मेरे पास अभी तक कोई ऐसा बंदा आया नहीं जिसने बोला कि उसने यहाँ पे स्टॉप लॉस करा, लेकिन अगर करा होगा तो ये देखें कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हैं आपकी, अगर आप इन चीज़ों को सही से नहीं देखेंगे तो आप लॉस करेंगे। अच्छा ये देखें, मैंने आपको ये एरिया बताया था, इस एरिया से प्राइस ने कितने पिप्स की हमें सेल दी, इस एरिया से प्राइस ने हमें तकरीबन 240 पिप की सेल दी, जो कि बहुत एक अच्छी बहुत एक ज़बरदस्त ट्रेड बनती है। मैंने आपको एक दिन पहले ही मार्केट में बता दिया कि मार्केट इस एरिया पे आएगी और इस एरिया पे आके आपको यहाँ से सेल देगी, तो आप लोग जो लेगा वो प्रॉफिट कमाएगा, जो नहीं लेगा, एक भी नहीं 2 दिन पहले, सॉरी मैंने आपको जब बताया था, जब प्राइस ने लो भी नहीं बनाया था, मैंने ड्रॉ करके मार्केट दिखा दी थी, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। अच्छा, हम ये कैसे मार्केट आने से 2 दिन पहले 3 दिन पहले बता देते हैं कि आने वाले 2-3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद क्या हो सकता है मार्केट में, इसके पीछे देखें पूरी टीम्स बैठी हुई होती हैं। ऐसा नहीं है कि आए 1 घंटे 2 घंटे 5 10 मिनट में लैपटॉप खोला और ऐसे देख के बता दिया, इसके पीछे पूरी टीम बैठी होती है, उनकी पूरी एफर्ट्स होती हैं, उन्हें एक नहीं काफ़ी सारी, उन्हें अलग अलग जगहों पर फंडामेंटल्स देखने होते हैं, अलग अलग जो क्रॉस पेयर्स चल रहे होते हैं उन पर टेक्निकल्स देखने होते हैं, इस पर टेक्निकल्स देखने होते हैं, एंड देन मैं फाइनलाइज करता हूँ, देखता हूँ कि क्या चीज़ें कितनी वैलिड हैं, कौन सी फंडामेंटल कितनी ऑथेंटिक है, कौन सी फंडामेंटल मार्केट में क्या असर दे सकती है और कौन सा टेक्निकल मार्केट पे ज़्यादा रिएक्शन दे सकता है प्राइस पे। तो ये सिचुएशन थी हमारी। और इसी के साथ साथ मैंने आपको ऑयल की, काफ़ी टाइम पहले 1-2 हफ्ते पहले मैंने आपको ऑयल का बताया था चार्ट का, कि ये एरिया अगर ब्रेक होता है तो फिर हम इस एरिया की टेस्टिंग्स पे बाय लेंगे। देखें ये एरिया ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एक टेस्टिंग पे बाय बनती थी, चलें जिसने ली उसने यहाँ पे किसी भी एरिया में ले ली, यहाँ पे तकरीबन उसको कोई 170 तकरीबन कोई अच्छे पॉइंट्स उसको मिल गए। उसके बाद जिसने दोबारा टेस्टिंग पे ली, दोबारा टेस्टिंग पे देखें तकरीबन 107 से 112 113 तक, ये 113 तक गई है प्राइस, 113 तक आपको प्रॉफिट मिला यहाँ पे। अच्छा, इसी के साथ साथ US 30 में भी मैंने आपको एक बहुत बड़ी ट्रेड दी है, ये आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं, पेज पे मैंने पोस्ट दी है, बिगेस्ट ट्रेड है US 30 की, बहुत ज़बरदस्त ट्रेड है। लेकिन ये ट्रेड किस तरीके से आपने लेनी है इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखें ये ट्रेड का SL तकरीबन 300-400 pips का है और टेक प्रॉफिट 4000 pips का है, जो कि बहुत बड़ा टेक प्रॉफिट है। तो जब हम इतनी बड़ी ट्रेड लेते हैं और लॉन्ग होल्डिंग ट्रेड लेते हैं तो हम उसका साइज रखते हैं छोटा, सही, छोटे से छोटा, क्यों? क्योंकि हमें छोटे छोटे में वो बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, और अगर हमारा लॉस भी होता है तो हमें नुकसान ना हो ज़्यादा, ऐसा ना हो कि हमारे अकाउंट वॉश हो रहे हो, हमें नुकसान हो रहा हो, हम दोबारा ना करें। देखिए मनी मैनेजमेंट से चलेंगे, सारी चीज़ों से चलेंगे तो हमेशा प्रॉफिट करेंगे, अगर इन चीज़ों को छोड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लॉस की तरफ जाएंगे, और लॉस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, आप अगले दिन आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी आप लोग के लिए ट्रेड्स थी, गोल्ड की भी मैंने आपको बता दी, ऑयल की भी बता दी, और ऑयल की मैं आपको बता देता हूँ एक और ऑयल की ट्रेड बन रही है ना, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, ऑयल की एरिया मैं आपको बताता हूँ, ऑयल बहुत अच्छे एरिया से रिजेक्ट हो रहा है, ये जो इसने डॉजी बना के कन्फर्मेशन दी है, तो ऑयल में आप यहाँ से एक सेल ले सकते हैं। अच्छा, ऑयल में बिल्कुल एग्जैक्ट आप यहाँ से एक सेल ले सकते हैं,
जो कि ऑयल है अभी 110 10.78 टू 80 पे। यहाँ से आप एक ऑयल की सेल लें और आपका स्टॉप लॉस इसका होगा कितना, ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा इसका 112 का, आपका स्टॉप लॉस होगा इसका, और आपका टेक प्रॉफिट इसका होगा, पहला टेक प्रॉफिट होगा 109 का, 109.90 का, और दूसरा मतलब 100 पिप का, और दूसरा टेक प्रॉफिट आपका होगा 108.90 का, और तीसरा आपका स्टॉप लॉस इसका होगा, मैं आपको बताऊँ, 106.40 का। सही है, तो ये आपका ऑयल की मैंने आपको ट्रेड्स दे दी हैं। ये ऑयल के मैं ज़्यादा बाइंग इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑयल पे अभी ये थोड़ी सी इंडिकेशंस और कंफर्मेशन मिली हैं, तो जिस वजह से आपको ऑयल पे सेलिंग दिखा रहे हैं। तो आज के दिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, वेबसाइट पर जो है ये देखें, वेबसाइट पे यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, वेबसाइट लॉगिन हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं अपने पास। इसी के साथ साथ अपना और अपने की दुआ में सबका ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ ऑल।